नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी फिंगर की एक्सरसाइज कर सकते हैं इस छोटे से रबर बैंड के साथ। पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर हम एक बहुत कॉमन देखते हैं कि पेशेंट के अंदर फाइन मोटर स्किल्स आने में टाइम लगता है। पेशेंट का हाथ में पूरी मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, लेग पूरी ठीक हो जाती है, मगर कहीं ना कहीं पेशेंट की जो फिंगर्स होती हैं वो कमज़ोर रह जाती हैं, उनमें दिक्कत रह जाती है राइटिंग के अंदर, बटन बंद करने में। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, ये जो हम चाहे राइटिंग वाला हो चाहे बटन बंद करने वाला हो, इनको हम गिनते हैं फाइन मोटर स्किल्स, यानी इसमें बहुत बारीकी वाला काम होता है और बारीकी वाला काम में आपकी फिंगर्स ही आपका सबसे ज़्यादा साथ देती हैं। मगर इन फिंगर्स में ताकत लेकर आना एक ही आसान काम नहीं होता, क्योंकि पैरालिसिस में क्या हुआ, जब आपको स्ट्रोक हुआ या ब्रेन हैमरेज हुआ तो आपका जो ब्रेन का जो पार्ट है वो डैमेज हो जाता है। ब्रेन जो इस मसल्स की फिंगर की मसल्स को कंट्रोल करता था वो अब नहीं कर पा रहा होता। तो जब हम मेडिसिन स्टार्ट करते हैं साइंस संजीवनी से, तो क्या होता है, ब्रेन अपनी वायरिंग शुरू करता है, दोबारा से इस मसल्स पे कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करता है। वो कनेक्टिविटी बन जाने के बाद तो सबसे ज़रूरी काम होता है वो है इसकी प्रोग्रामिंग करना, कि ब्रेन इसको अच्छी तरीके से मूव कर ले। क्योंकि अगर वो हिल रही है, सही तरीके से नहीं हिल रही, तो फिंगर किसी काम की नहीं होती, सही तरीके से काम नहीं हो पाता। तो हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि अगर आप अपनी फिंगर्स की या किसी भी बॉडी पार्ट की अगर आप चाहते हो कि उसमें जो परफेक्शन है ना वो आ जाए, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी रिपीटेशन, यानी एक ही काम को बार 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 करने से आपका वो जो मसल्स और ब्रेन के बीच में जो एक कनेक्टिविटी होती है ना, वो इतनी अच्छी हो जाती है कि कोई भी कभी नहीं बता पाएगा कभी आपको पैरालिसिस या स्ट्रोक पड़ा था। तो फिंगर्स में पावर लाने के लिए, फिंगर में दोबारा से फाइन मोटर स्किल्स लाने के लिए, वही दोबारा से ब्रेन एंड कनेक्टिव बनाने में मेडिसिन साइंस इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्प करती हैं। पेशेंट की मूवमेंट्स आ जाती हैं, मगर उसे साधने वाला काम कि छोटा सा रबर बैंड आपकी मदद कर सकता है। आपने कुछ नहीं करना होता है इस छोटे से रबर बैंड से। अगर आप खाली बैठे, फ्री टाइम में बैठे हैं, आप बहुत आराम से अपनी फिंगर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इसको कई तरीके से, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक एक करके आपको सब बताऊंगा। पहली एक्सरसाइज में आप इस रबर बैंड को अपनी सारी फिंगर्स में डाल लीजिए और इसे इस तरह से खोलने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी सभी फिंगर्स पर स्ट्रेस पड़ता है और ये आपकी फिंगर्स पर वो फाइन मोटर स्किल्स लाने में हेल्प करेगा जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे। वो दोबारा से लिखने की जो काबिलियत है, दोबारा से अपने बटन बंद करने की काबिलियत है, दोबारा से हर छोटे छोटे काम जो आप पहले करते थे उनको लाने में ये एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती है। अगर मान लीजिए आपकी किसी स्पेशल एक ही फिंगर में दिक्कत ज़्यादा है, तो आप इसकी एक्सरसाइज सिंगल सिंगल फिंगर कर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना होता, अपने एक हाथ से, आपने सही वाले हाथ से आपने इस रबर बैंड को पकड़ा और दूसरी फिंगर को यहाँ रखा और होल्ड बनाने के बाद इसे ऊपर की तरफ लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। चाहे तो आप रबर बैंड को थोड़ा बीच में से पकड़ सकते हैं, जिससे ये और कम्फर्टेबल तरीके से हो जाता है। आपने हाथ से दूसरे हाथ को इस तरह से पकड़ा और ये इस तरह से आप कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी यहाँ की जो मसल्स हैं उन पर स्ट्रेन पड़ना शुरू होता है। यहाँ पर आपको दर्द भी महसूस हो सकता है, बट आपने घबराना नहीं है। जो साइंस संजीवनी आपको ऑयल प्रोवाइड करते हैं न्यूरोम, उसकी बहुत सिंपल, आपने हल्के हाथ से मसाज कर देनी है और आप देखेंगे कि जो आपकी मसल्स में जो फटीक हो रहा था, जो पेन हो रहा था, वो डिसअपियर कर जाता है। इसके साथ साथ आप एक तरीके से और इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने रबर बैंड लिया, ये मान लीजिए कि पैरालिसिस वाला हैंड है जिसमें दिक्कत है, जिसमें फिंगर्स में मुझे एक्सरसाइज करनी है। आपने इसको इस तरह से होल्ड किया, ऊपर से आपने रबर बैंड को पकड़ा और आपने हाथ को स्टेबल रखते हुए सिर्फ फिंगर को हिलाना है, फिंगर को हिलाने की कोशिश करनी है। ये देखिए इस तरह से आप क्या करते हैं, आपकी फिंगर पर फिर से एक्सरसाइज हो जाती है, फिंगर आराम से ऊपर की तरफ आ जाती है, नीचे की तरफ दम लगाना है। ये एक्सरसाइज करना किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि पेशेंट अपनी मुट्ठी को तो बंद कर लेता है, खोने में अक्सर से दिक्कत दिखी जाती है। तो अगर पेशेंट चाहे तो इस वाली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकता है। रबर बैंड लेना है और इसे नीचे की तरफ पुश करना है, जितनी जोर से आप पुश कर सकते हैं पुश कीजिए। ऐसे आपकी सिंगल सिंगल फिंगर की आराम से एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद पेशेंट के अंदर एक दिक्कत और दिखी जाती है, वो है कोऑर्डिनेशन वाली, कि आप जहाँ देखते हैं वहाँ पर आप फिंगर ले जाना चाहते हैं तो आपको वो दिक्कत होती है। और अक्सर हमारे पास वो सामान नहीं होता कि बैठ के हम कोई चार्ट पे या किसी तरह से उसको हम कोऑर्डिनेशन अपना वाला एक्सरसाइज कर सकें। तो आपके हाथ में अगर आप ध्यान से देखें, आप देखेंगे कि आपके हाथ में बॉक्सेस बने हुए होते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि इस तरह से इनको टच करने की कोशिश करना होता है। ये जितना सिंपल लग रहा है मेरे लिए, शायद पैरालिसिस पेशेंट के लिए आसान नहीं होता कि अपने थंब को वहीं टच करना जहाँ पर वो चाहते हैं। अगर पेशेंट इन चीज़ों को छोटा छोटा करता है तो
पेशेंट के ब्रेन में वो प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है जहाँ वो चाहता है, जहाँ वो अपनी फिंगर को ले जाना चाहता है वो कंट्रोल आ जाए, तो पेशेंट की जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं उसमें बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। इस तरह से आप थंब से की आप बाकी छोटी फिंगर से भी इस तरह से कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी स्ट्रेचिंग होती है बल्कि आपकी फाइन मोटर स्किल्स में भी हेल्प मिलती है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट चाहता है कि वो अपनी दोबारा से जो जान है, दोबारा से वो जो पहले वाली काबिलियत थी वो लाना चाहता है, तो पेशेंट को वर्क करना पड़ता है साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर्स के हिसाब से। जब हम आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं कि आप ऐसा करो ऐसा करो, आपको उसे फॉलो इसलिए भी करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये जो हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं ये एक्सपीरियंस से हमें पता लगती है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट जो ठीक हो रहे हैं, जो ठीक नहीं हो रहे, जो ठीक बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, जो धीरे से अपने प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, इनके बीच का डिफरेंस डॉक्टर को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो पेशेंट जल्दी ठीक हो रहे हैं उनमें जो अलग सी चीज़ है जो उनको और पेशेंट से अलग बनाती है वो हम आपकी तरफ लेकर आ पाए, जिससे जो आपकी जो प्रोग्रेस है जो स्लो चल रही है वो फास्ट होनी शुरू हो जाए। तो जो हम देखते हैं सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो पेशेंट ठीक हो रहा है वो अपने ब्रेन को समझना शुरू कर देते हैं, उस पैरालिसिस दिक्कत को समझना शुरू करते हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी नहीं जानते कि पैरालिसिस यानी स्ट्रोक कैसे आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, कैसे उसकी हम भरपाई करते हैं, कैसे साइंस इंजीनियरिंग आपकी मदद करता है। तो मैं आपको जल्दी से फटाफट से बताने की कोशिश करता हूं कि एक्चुअल में अगर आप पैरालिसिस का ट्रीटमेंट चाहते हैं, स्ट्रोक का ट्रीटमेंट चाहते हैं, दोबारा से अपने अंदर काबिलियत लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा बीमारी को समझना पड़ेगा और थोड़ा सा साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट की अप्रोच को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर आप समझ पाएंगे कि ये चीज़ कैसे हो पाती है। तो जब किसी को पैरालिसिस का अटैक होता है यानी स्ट्रोक होता है, तो क्या होता है कि अक्सर ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट आया होता है या फिर ब्रेन हैमरेज हुआ होता है, यानी ब्रेन के अंदर किसी टाइप की ब्लड की लीकेज हुई होती है। तो दोनों ही चीज़ों के अंदर आपका ब्रेन का कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है। जब आपका ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है तो ब्रेन का जो काम था, ब्रेन के उससे काम था आपकी मसल्स को कंट्रोल करना, उसे चलाना, उसको कमांड देना कि कितना हिलना कितना नहीं हिलना, तो ये चला जाता है। जब ये कंट्रोल आपके ब्रेन से चला गया तो क्या होता है कि स्ट्रोक पड़ने के बाद 6 महीने के अंदर पेशेंट में बहुत अच्छी रिकवरी होती है, चाहे पेशेंट मेडिसिन ले चाहे पेशेंट मेडिसिन ना ले, मगर उसमें जो नेचुरल तरीके से जो हीलिंग होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। दिक्कत कब आती है, जब ये गोल्डन पीरियड 6 मंथ्स का चला जाता है, क्योंकि उसके बाद पेशेंट के अंदर जो कंडीशन बनी रहती है वो सालों साल वैसी ही बनी रहती है। चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करवा लीजिए, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, वो चेंजेस नहीं आ पाते। और वहीं पर एंट्री होती है साइंस इंजीनियरिंग, क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग आपकी ब्रेन को समझता है, आपकी दिक्कत को समझता है। उसको पता है कि आपके ब्रेन में दिक्कत है, आपके हाथ पैर में नहीं है। आपकी हाथ पैर की मसल्स बिल्कुल ठीक है, हाथ पैर की जो बोन्स है बिल्कुल ठीक है, हाथ पैर की बिल्कुल नर्व्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ कोई डैमेज नहीं हुआ। जो डैमेज हुआ है वो आपके कंट्रोल सेंटर में है, कमांड सेंटर में हुआ, आपके ब्रेन में हुआ है। तो अगर हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं पैरालिसिस का, तो सिर्फ एक्सरसाइज करने से, फिजियोथेरेपी करने से आपके ब्रेन के जो सेल्स हैं वो ठीक होने नहीं शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा से आपके मसल्स का कमांड लेना नहीं शुरू करेंगे। तो वही कमांड को दोबारा से लाने के लिए, दोबारा से कनेक्टिविटी बिठाने के लिए हम जब मेडिसिन देना शुरू करते हैं, तो जो 6 मंथ में जो हीलिंग प्रोसेस आपका रुक गया था वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ब्रेन दोबारा से अपनी कनेक्टिविटी बनाना शुरू कर देता है, ब्रेन दोबारा से जो अपने कंट्रोल है मसल्स के ऊपर वो लेना शुरू कर देता है। तो आप क्या देखते हैं, सबसे पहली चीज़ कि पेशेंट के हाथ पर खुलना शुरू हो जाते हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाती है, नीचे की तरफ आती है, और ये सबसे बड़ा साइन होता है कि आपकी कनेक्टिविटी आपके ब्रेन के साथ बन गई। क्योंकि जब ब्रेन की कनेक्टिविटी मसल्स के साथ चली जाती है तो मसल्स अपनी डिफेंस पोजीशन यानी टाइट हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं, और जैसे जैसे आप साइंस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे ये ऑटोमेटिक तरीके से स्टिफनेस खुलना शुरू हो जाती है, और आप क्या देखते हो कि इसमें धीरे धीरे मूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। मगर ये मूवमेंट जो आ जाती है, ये मेडिसिन से आने के बाद भी इस मूवमेंट को आपको साधना पड़ता है, यानी आपको अपने ब्रेन की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। और इस प्रोग्रामिंग के अंदर हम अक्सर पेशेंट को बोलते हैं कि आप करें CIMT यानी कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी। ये पेशेंट में जब हम फर्स्ट मंथ में बोलते हैं, पेशेंट हमें अक्सर इग्नोर कर जाता है, पेशेंट कहता है मेरे से नहीं हो पा रहा, मगर पेशेंट इसके पीछे का कंसेप्ट नहीं समझ पाता। अब अपने ब्रेन को समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रेन आपके हाथ को क्यों चलाए।
आप अपना सारा काम तो अपने सही हाथ से कर लेते हैं, मान लो मेरे लेफ्ट हैंड में दिक्कत है या मान लो मेरे राइट हैंड में दिक्कत है, तो जब मुझे पैरालिसिस होगा मैं ना सारे काम अपने लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर दूंगा और मेरा राइट हैंड इग्नोर हो जाता है। तो ब्रेन को नहीं लगता कि इसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्यों वो अपनी एनर्जी बेकार करे, क्यों वो अपने रिसोर्सेज ख़राब करे। तो पेशेंट क्या देखता है कि पेशेंट की जो पैरालिसिस वाले हैंड में मूवमेंट नहीं आ पाती, तो अब इसको ब्रेन को बताना पड़ता है कि आपका काम एक हाथ से नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो सही हाथ होता है ना उसको बंद करवा देते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप कहते हैं कि आप 21 डेज के लिए अपने सही हाथ को आप बंद कर दो, उसे काम कम लो। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक तरीके से आपका पैरालिसिस वाले हैंड पे सारे वर्किंग जानी शुरू हो जाएगी। अब आपने नहाना है तो आप कैसे नहाओगे, आपका हाथ तो एक बार काम करना, नहीं तो छुट्टी पे गया हुआ है, तो आप कोशिश करोगे अपने पैरालिसिस वाले हाथ से इस काम को करने के लिए। अब आपने कॉम करनी है, बाल बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे, अपने इस वाले हाथ से बनाओगे। मैं मानता हूँ आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानियाँ होंगी, आपसे चीज़ें नहीं पकड़ी जाएंगी, आपसे चीज़ें छूटेंगी, गिरेंगी, नुकसान होगा, मगर आप ठीक होना शुरू हो जाओगे। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन 12 दिन कितने दिन लगेंगे आपको उस चीज़ को कंट्रोल करने में। जितना आप अंदर से परेशान होगे ना, जितना आपका ब्रेन परेशान होगा, यानी उतनी ज़्यादा आपके अंदर डेवलपमेंट देखी जाती है, उतनी फास्ट देखी जाती है। इसलिए अक्सर पेशेंट जब ठीक हो जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, पेशेंट अक्सर एक्सरसाइज करना बंद कर देता है और पेशेंट क्या देखता है कि उसकी वो चीज़ वहीं पे स्टैटिक हो गई, क्योंकि पेशेंट को लग रहा है मैं ठीक हो गया, ब्रेन को नहीं लग रहा कि मुझे अब ठीक होने की ज़रूरत है। तो पहले आपको अपने ब्रेन के लिए वो ज़रूरत बनानी पड़ती है, बाकी काम साइंस इंजीनियरिंग मेडिसिन, बाकी काम आपका खुद का ब्रेन कर लेता है। तो अगर आप पैरालिसिस पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं ना, तो आप हमेशा कोशिश करो कि पहले दिक्कत को समझो कि दिक्कत क्या थी, फिर उसके ट्रीटमेंट को समझो कि क्या ट्रीटमेंट आप कर रहे हो। जिस दिन आप ये दोनों चीज़ों को समझ गए ना, ये दोनों आपस चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और आप बिल्कुल इसको फॉलो करना शुरू कर दोगे और आपके अंदर चेंजेस जो आप चाहते हो ना आपके हिसाब से आने शुरू हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पैरालिसिस को समझने में, फिंगर की एक्सरसाइज को समझने में, इसमें इम्प्रूवमेंट लाने में, आपकी फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करने वाली है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि कैसे हम अपने फिंगर के अंदर मूवमेंट लेकर आ सकते हैं, कैसे अपने हाथ के अंदर मूवमेंट लेकर आ सकते हैं, कैसे हम दोबारा से चल सकते हैं, वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। आप हमारी साइट scienceengineering.com पर जाके या छोटा सा फॉर्म है आप उसे फिलअप कर सकते हैं, बाकी पेशेंट की वीडियोस हैं आप वो भी दे सकते हैं। इस चैनल के ऊपर हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइज वाली वीडियोस हैं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। आपके पास कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं स्टॉक से रिलेटेड, आपको सब कुछ साइंस इंजीनियरिंग के इस चैनल पर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप अपनी फाइन मोटर स्किल्स को बेटर कर पाएंगे, दोबारा से अपने पैरालिसिस को समझ पाएंगे, दोबारा से इसको काबू में कर पाएंगे। और इसी के साथ मैं आपसे चलने की आग्रह चाहता हूँ। धन्यवाद।